उचेरा के बाबूपुर ग्राम के डोगरी टोला में पीएससी चौकीदार का शव मिला है। मृतक पन्ना जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। सतना जिले के उचेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूपुर गांव के डोगरी टोला में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे खून से लथपथ हालत में मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम पंचनामा बनाकर कार्रवाई के लिए शवगृह भेज दिया है। पहले मृतक की पहचान अज्ञात थी, बाद में पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान विजय दहिया के रूप में की गई है, जो कि पन्ना जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक बाबूपुर गांव औद्योगिक क्षेत्र पीएचसी में चौकीदार का कार्य करता था। मृतक रात्रि खाना खाने के बाद कमरे से निकलकर होटल जा रहा था। वहीं सुबह मृतक का शव उसके निवास से कुछ दूरी पर खून से लथपथ हालत में मिला है। मृतक के चेहरे और सिर पर कई जगह पर गंभीर निशान है। प्रथम दृष्टया व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया है। हालांकि पुलिस हर पहलू के आधार पर जांच में जुटी है। जिले के उचेरा थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में 12 जून की सुबह एक युवक की लाश मिली है। इसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना पर आसपास के इलाके में बड़ी संख्या के लोग वहां पहुंच गए। मृतक की पहचान पन्ना जिले के अंतराहा गांव निवासी विजय दहिया के रूप में हुई है। उम्र करीब 35 वर्ष आंकी जा रही है। उचेरा थाना अंतर्गत बाबूपुर गांव में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश की पहचान विजय दहिया के रूप में हुई, जो कि पन्ना जिले के अंतराहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक का बड़ी ही बेहरमी से कत्ल कर यहां फेंका गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही घटना पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों से भी संपर्क कर घटना की सूचना दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। बताया गया है कि रविवार की सुबह ग्रामीणों की लाश पर नजर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उचेहरा की पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही उचेहरा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच को लाश को अपने कब्जे में लिया और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। परिजनों की सूचना है वही परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। मृतक की पहचान पन्ना जिले के अंतराहा गांव निवासी विजय दहिया के रूप में हुई है। उम्र करीब 35 वर्ष आंकी जा रही है। उचेहरा थाना अंतर्गत बाबूपुर गांव में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश की पहचान विजय दहिया के रूप में हुई, जो कि पन्ना जिले के अंतराहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक का बड़ी ही बेहरमी से कत्ल कर यहां फेंका गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही घटना पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों से भी संपर्क कर घटना की सूचना दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। बताया गया है कि रविवार की सुबह ग्रामीणों की लाश पर नजर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उचेहरा की पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही उचेहरा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच को लाश को अपने कब्जे में लिया और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। परिजनों की सूचना है वही परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति विजय दहिया ग्राम अंतरहार वहां पर इसकी सड़क के किनारे झाड़ियों में लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ वारदात हुई है और फिर लाश पोस्टमार्टम की भेज दी। लाश उस समय अज्ञात थी, लेकिन धीरे धीरे मालूम चला कि ये विजय दहिया है और उत्तमपुर पन्ना का रहने वाला है। उनके घर में भी खबर की गई है, चाचा को खबर की गई है, चाचा के माध्यम से पापा को खबर करने की कोशिश की गई है और लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी गई। मौके पर पुलिस है इन्वेस्टिगेशन जारी है।